हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको 6 कली के पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर पेटीकोट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप 2.5 मीटर या 2.25 मीटर कपड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें पेटीकोट की लंबाई सिर्फ 36 इंच करनी है, ठीक है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। अब देखिए, कपड़ा डबल फोल्ड है। सबसे पहले हमें इसे सीधा करना है और यहाँ पर हमें पेटीकोट की लंबाई 36 इंच करनी है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम 37 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को ऊपर की ओर डबल फोल्ड करेंगे। बाकी जो कपड़ा निकलेगा उसमें से हम चीन बना लेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर लीजिए। पेटीकोट बनाते हैं तो उसमें 6 कलियाँ होती है, 2 बड़ी कलियाँ और 4 छोटी कलियाँ। अब इस साइड से भी कटिंग करके इसे अलग कर लीजिए। इस तरीके से हमारे पास 2 पल्ले हो गए। अब इनको हमें जैसे है वैसे ही रहने देना है। कपड़े की किनारी अपनी तरफ रखनी है और कपड़े को एकदम बराबर कर लीजिए। अब देखिए, हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है ऊपर की ओर कलियाँ कटिंग करने के लिए, कि जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से कलियों की चौड़ाई हमें ज़्यादा रखनी है, ठीक है। एक तरफ की कलियाँ छोटी रहेगी और एक तरफ की कलियाँ चौड़ी रहेगी जब हम इससे कटिंग करेंगे। तो जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से कलियों की चौड़ाई ज़्यादा रखिएगा, यानी कि उस साइड से हमें कलियाँ चौड़ी फोल्ड करनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जो कमर की चौड़ाई है वो 38 इंच है, तो 38 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो लगभग 4.25 इंच आएगा। तो उसमें हमें 2 इंच प्लस कर लेना है, 1 इंच सिलाई के लिए और 1 इंच सारी कलियों में चुन्नट डालने के लिए। तो ऊपर से जो कलियों की चौड़ाई होगी वो लगभग हम 6.75 इंच रखेंगे, ठीक है। अगर आप चुन्नट नहीं डालना चाहते तो 1 इंच इसमें कम कर लीजिएगा। जितनी भी आपकी कमर की चौड़ाई हो उससे 8 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच सिलाई के लिए प्लस कर लेना है। और अगर चुन्नट डालना चाहते हैं तो उसमें 1 इंच और प्लस कर लीजिए। देखिए, हमारे कलियों की कटिंग हो गई है। अभी यहाँ इस तरीके से कटिंग होने के बाद हमारे पास 2 बड़ी और 4 छोटी कलियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 4 छोटी कलियाँ एक साइड है और ये एक साइड 2 बड़ी कलियाँ हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन्हें जोड़ना किस तरीके से। देखिए, बीच में बड़ी कली रहेगी और दोनों साइड छोटी छोटी कली जोड़नी है। ये जो बड़ी वाली कली है दोनों साइड से उरेब रहती है और ये जो छोटी वाली कलियाँ एक साइड से उरेब रहती है और एक साइड से सीधी रहती है, ठीक है। अब हम कलियाँ जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बड़ी वाली कली लेनी है एक और एक छोटी वाली कली लेनी है, ठीक है। बड़ी वाली कली तो उरेब रहेगी, इसके साथ में हमें जो सीधी साइड वाली कली है वो ज्वाइंट करना है, यानी कि छोटी कली की जो सीधी साइड है वो इसके साथ ज्वाइंट होगी। ऐसा नहीं है कि हम उरेब उरेब कली जोड़ देंगे, ठीक है। बड़ी कली के साथ हमें जो सीधी साइड वाली कली है वो जोड़ना है और इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं करनी है। कलियों को जॉइंट करते वक्त सीधा इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी। 1/2 इंच से ज़्यादा कपड़ा आप सिलाई में ले लीजिएगा। नीचे की तरफ देखिए, दोनों कलियाँ बराबर नहीं आएगी क्योंकि एक कली उरेब है और एक कली सीधी है, तो इन्हें हम बाद में कटिंग करके बराबर कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ी सी छोटी बड़ी आएंगी। अब दूसरी साइड, इसी कली के दूसरी साइड हमें एक और छोटी कली जॉइंट करनी है, सेम वैसे ही जैसे पहले करी थी। जो सीधी साइड है छोटी वाली कड़ी की वो इसके साथ हमें जॉइंट करना है, ठीक है। ये सारी कलियाँ जॉइंट आने के बाद हमें सारी कलियों को एक साथ कर लेना है। साइड में, दोनों साइड में उरेब उरेब कली आएगी, तो बिल्कुल भी कली को खींचना नहीं है क्योंकि दोनों साइड उरेब उरेब कली आएगी साइड की जब हम सिलाई लगाएंगे। तो अब देखिए, एक साइड ऊपर की तरफ हमें थोड़ा सा कली को फोल्ड कर लेना है। हम पहले ही फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद साइड की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजिए कपड़े को थोड़ा थोड़ा, लगभग 3-4 इंच जगह से ऊपर की तरफ से। अब पेटीकोट को आप गोल बना लीजिए साइड की सिलाई लगा के। ऊपर की तरफ थोड़ी सी खुली जगह छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर सिलाई ना लगाएं। यहाँ पर पक्की सिलाई लगा के पूरी नीचे तक सिलाई लगा दीजिए। उरेब कली है तो बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा कली हो रही है उसे हमें कटिंग किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले पेटीकोट को बराबर बिछा लीजिए, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए ऊपर की तरफ से। अब देखिए, साइड में हमें नापना है, हमने कितने इंच के पल्ले करे थे वो हमें ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर 37 इंच के करे थे तो हमें साइड से 37 इंच पर निशान लगा देना है। साइड में उरेब कली आती है तो वो बढ़ जाती है, ठीक है। बीच में देखिए, एक जो बड़ी हुई कली है उससे हमें कटिंग करना है। देखिए, सिर्फ इतना ही हमें कटिंग करना है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है उससे कटिंग करना है। पहले आप 37 इंच पर निशान लगा लीजिए, उसके बाद इस तरीके से सीधा कट कर लीजिए। बीच में सब आप देख सकते हैं 37 इंच ही है क्योंकि बीच की जो कली है वो बीच में से एकदम सीधी है, सिर्फ साइड की तरफ से उरेब है तो साइड की तरफ से वो बढ़ गई है,
तो हमें इस तरीके से इसे सीधा कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं कटिंग करना है, जो ज़्यादा है उससे ही कटिंग करना है। जो सीधी वाली कली होती है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, वो है जितनी रहती है। अगर उससे हमने कटिंग कर दिया तो पेटीकोट की लेंथ कम हो सकती है। ठीक है, देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह करना है हमें। 37 इंच पर निशान लगाना है और ये कली पूरी नहीं कटेगी, सिर्फ आधी दूरी में ही कटती है। अब ये बीच वाली कलियों में भी इसी तरीके का है। ये जो बड़ी वाली कली है ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हम कटिंग कर देंगे। बीच में से हमें बिल्कुल भी नहीं कटिंग करना है। ठीक है, ये तो इस तरीके से पेटीकोट में गोलाई हो गई। अब हम इसकी चीन लगा देते हैं और पट्टी फोल्ड कर देते हैं। अब देख सकते हैं चीन का जो कपड़ा है वो थोड़ा कम निकला है, इसे फोल्ड करेंगे तो चीन छोटी होगी। तो हमें क्या करना है, इसके साथ दूसरा कपड़ा को ज्वाइंट कर देना है। तो हम इसके थोड़ा सा अलग कलर का है लेकिन हम ये साथ में ज्वाइंट करने वाले हैं। ऊपर की तरफ हम ये जो मैचिंग कलर का ये दिखा देंगे चीन में और अंदर की तरफ ये रख देंगे। तो इसे आप चीन की लंबाई में साथ में ज्वाइंट कर लीजिए। अब सारे कपड़े को एक साइड में फोल्ड करके इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए लगभग हमें 4-4.5 इंच की चौड़ी चीन लेनी है, तो उतना हमें कटिंग कर देना है। कपड़े को फोल्ड कर लीजिए उस हिसाब से और जितनी आपको चौड़ी चीन चाहिए उतनी आप ले लीजिए। देखिए चीन को डबल फोल्ड कर दीजिए और इसके सेंटर बना दीजिए कट लगा के छोटा सा। अब चीन लगाने के लिए हमें चीन को नीचे की तरफ रखना है और पेटीकोट को ऊपर की तरफ रखना है। हम सारी कलियों में एक एक चुन्नट डालने वाले हैं, तो सारी कलियों में एक एक चुन्नट डाल दीजिए। बीच वाली जो बड़ी वाली कली है उसमें हम 2 चुन्नट डालेंगे क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो 2 कलियों के बराबर है। देखिए बीच वाली कली में 2 चुन्नट डाल दीजिए। अब जो हमने चीन पर कट लगाया और जो तीसरी कली की जो सिलाई है लास्ट में, उसे और ये कट को हमें मिलाना है, या ताकि ये दोनों बराबर आए, या फिर अगर हम इस कट लगा के चीन लगाते हैं तो दोनों तरफ कपड़ा बराबर रहता है। अब चीन को आप ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए। चीन को फोल्ड करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए कि पेटीकोट को या लहंगे का जो भी है हमारे पास उसे हल्का सा खींचते हुए रखें। चीन को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हर वीडियो में बताती हूँ कि चीन लगाते वक्त हमेशा लहंगे को खींचते हुए रखिए थोड़ा सा, ताकि इसमें सलवटें ना आए और ना इसमें बेलन पड़े। हमने चीन को फोल्ड कर दिया, इसमें एक भी सलवट नहीं है। आप देख सकते हैं, आप देखिए हमें नीचे की पट्टी फोल्ड किस तरीके से करनी है। नीचे की पट्टी अगर हम अच्छे से फोल्ड नहीं करते हैं तो उसमें गोलाई भी बराबर नहीं आती। तो ऊपर से चीन की तरफ से नापना स्टार्ट कीजिए और इस तरीके से हमें 36 इंच की लंबाई रखनी है। तो 36 इंच पर निशान लगाइए और कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए जितनी चौड़ी आपकी पट्टी फोल्ड होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर पिन लगा दीजिए। ऑल पिन आती है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे सुई लगा दीजिए। इसी तरीके से हम जो बीच वाली कली है उसे बीच में से नापेंगे। जो रेप कली है उसे बिल्कुल भी नहीं नापना है, जो सीधी वाली कली है उन्हें आप नाप लीजिए और 36 इंच पर निशान लगा दीजिए। इस तरीके से हम जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी में 36 इंच पर निशान लगा देंगे कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करके। तो इससे क्या है कि पट्टी एकदम बराबर फोल्ड होगी और टाइम भी कम लगेगा, फटाफट हो जाएगी, वरना छोटी बड़ी भी हो जाती है। इसे वापस से नाप लीजिए कि बराबर है या नहीं। ठीक है, इसी तरह 2-3 जगह पर लगाने के बाद देखिए अब हम पट्टी फोल्ड करना स्टार्ट करने। तो थोड़ा सा कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए, पट्टी को बराबर फोल्ड कर दीजिए। ये दोनों ऑल पिंस को आप इस तरीके से बराबर पकड़िए और पट्टी को एकदम अच्छे से हाथ से प्रेस करके जमा लीजिए ताकि एकदम पट्टी बराबर फोल्ड हो। और कपड़े को बराबर अंदर की ओर डालते हुए इसके ऊपर की ओर सिलाई लगा दीजिए। देखिए नीचे की तरफ से कलियाँ चौड़ी होती है और ऊपर से कम चौड़ी होती है, तो क्या होता है कि पट्टी फोल्ड करते वक्त उसमें बेलन भी आ सकती है। तो बेलन ना आए इसके लिए हमें क्या करना है कि सारे जो हम पट्टी फोल्ड करें उसमें हमें छोटी छोटी सी चुन्नट डाल देनी है कहीं कहीं पर, इससे पट्टी एक सार फोल्ड होगी और उसमें सलवटें नहीं आएगी। देखिए पट्टी एकदम बराबर फोल्ड हुई है, हमारा पेटीकोट बनकर तैयार है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं।